याद है कि राजू की माँ और मेरी भाभी ने दोनों बच्चों के लिए कुछ सपने देखे थे। Come on, Dad, आप बात को लंबा क्यों कर रहे हैं? Come to the point. मेरे पास ये पगला मगर इकलौता बेटा है जिसे अकलमंद बनाने के लिए मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। Good joke. बस एक ही रास्ता है, अगर राजू की शादी हम अपनी काजल से कर दें। हाँ सिद्धांत, दोस्ती के नाम पर इस घर की महक से अपने यार का घर महका दे। यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाय राजू। हाय काजल। लगता है ये दोनों दोस्त मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी तो पक चुकी है, अब सिर्फ खाना बाकी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। बच्ची, रमा ने तुझे अपनी बेटी बना लिया है। मैं तो अंकल की बेटी हुई है ना अंकल? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं, लेकिन आज बेटी के साथ साथ तुझे अपनी बहू बनाने का भी फैसला किया है। काजल मेरी बेटी पहले और बहू बाद में। काजल कहाँ चली बेटा? अरे भाई शर्मा गई, यही शर्म हया बड़ों का मान, अपने इन्हीं संस्कारों के लिए मैं तरस गया था। काजल बेटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मर्यादा मेरे घर आएगी। बस सिद्धांत अब शादी की तैयारी हो जाए। डैड अंकल, कल ही काजल और मैं कंप्यूटर से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं, 2-in-1, यानी मंगनी और शादी दोनों साथ साथ। एनी प्रॉब्लम्स? नॉट एट ऑल। मैं जरा काजल से पूछ के आता। अकेले में मिलने का अच्छा बहाना है। अच्छा अपने दिन भूल गया। तेजी ना झटका। कल मुहूर्त निकलवाने चलना है, हमारी शादी भी एक यादगार होगी, प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल। ए तुम रो रही हो? समझा, तुम इंडियन लड़कियां भी बड़ी कमाल होती हो, बात चाहे विदाई की हो या प्यार के इंतहा की, तुम अपनी खूबसूरत आंखों में आंसू भरकर दूसरों की नींद उड़ा लेती हो। ए डोंट क्राई। ए कहीं कुछ और बात तो नहीं है ना? वैसे ही बुद्धूराम तुम्हें कैसा लगा? मैं सुधर जाऊंगा, शादी के बाद मैं एकदम पत्नी व्रता इंडियन पति बन जाऊंगा, आई स्वेयर। खुशी के मौके पर रोते नहीं। ए तुम्हारी एक चीज सुला ले जा रहा हूं, तुम्हारे सपने जॉब मेरे हैं। खुश हो रही है तुम? तू जो आ गया है पहचाना ही नहीं जाता, बिल्कुल बदल गया है। मेरी तो पूरी दुनिया बदल गई है। सच? हाँ, सोचा तुझे मिलकर सब कुछ बता दूँ। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल तो समझा। कैसे हुआ ये जादू? मुझे मोहब्बत हो गई है तुलसी। चेहरे पे इतना नूर तुम्हारे, आंखों में इतना प्यार, ऐसा लगा मिलकर जैसे आज मिले हम पहली बार। तुलसी, सोचता हूं मैंने मोहब्बत पहले क्यों नहीं की, इतना वक्त ऐसे ही गुजार दिया। दिल करता है कि दुनिया की सारी खुशियां अपनी मोहब्बत को लाकर दे दूं, सब कुछ लुटा दूं उस पर, अपनी जान भी। बस अब और सबर नहीं होता, एक बार अपनी जबान से उसका नाम ले ले। एक बार काजल, बहुत खूबसूरत है वो। काजल मिल गई, सब कुछ मिल गया,
मैं उससे शादी करूंगा। मैं जानता हूं मेरी शादी की खुशी में तू बहुत नाचेगी। नाचेगी ना? हाँ, हाँ, नाचूंगी, जरूर नाचूंगी। अच्छा तुलसी, मैं चलता हूं, मेरी मोहब्बत के लिए दुआ करना। झूठी मोहब्बत के नाटकों के लिए तो ये कोठे हमेशा ही बदनाम रहे हैं। आज कोई हमसे ही नाटक खेल गया। उसे दोष मत दो पिया जी, वो तो मेरे हाथों में फूल रख रहा था। मेरी किस्मत थी जो मुठिया खोली, डोंगार निकले। मत रो तुलसी, मत रो तुलसी, मत रो। अरे अगर तवायफों के आंसू में असर होता तो ये कोठे कब के बह गए होते। तुलसी, मैं क्यों रोने लगी भला? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि काजल की जगह आंखों के अंदर होती है और तुलसी की घर के बाहर? मैं बहुत खुश हूं पिया जी, करण की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है। मेरे आंसू देखकर अगर लौट गई तो इन कोठों की लाज ही डूब जाएगी। मैं बहुत खुश हूं पिया जी। संभाल मुझे, अपने आप को संभाल पिया जी। मरने से पहले एक बार काजल को जरूर देखना चाहूंगी। कहा जाता है आज तक सिर्फ तवायफों ने लोगों के घर लूटे हैं। ये कौन सी शरीफजादी है जिसने एक तवायफ की दुनिया ही लूट ली? देखा काजल, दोस्ती और शराफत की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी? आजकल के जमाने में तो कहीं नहीं। इतना दौलतमंद होने के बाद भी रमा वो वादा नहीं भूला जो राजू की माँ ने तुम्हारी माँ से किया था। पापा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप हमारी बात इत्मीनान से सुनिए, ठंडे दिमाग से। हाँ हाँ, बोलो बेटा। हम किसी और से प्यार करते हैं पापा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छुपा कर रखा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं रमा को वचन दे चुका हूं। वचन में तो हम भी बन चुके हैं पापा, कभी न टूटने वाला बंधन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो है कौन? आप उसे जानते हैं, उसका नाम करण है। कौन करण? आपने उसे देखा भी है पापा, वही करण जो एक दिन मौत का साया बनकर हमारे सर पर मंडराता था। आज हम उसी का हाथ थामकर जिंदगी की राह पर चलने की कसम खा चुके हैं। तुम होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो? तुम उससे प्यार? पागल हो गई तुम? पापा प्लीज, हमारी बात तो सुनिए। तुम क्या बताना चाहती हो कि समाज में उसकी क्या जगह है? वो शराफत के माथे पर एक कलंक, दूसरों को बेइज्जत करने वाला एक जंगली जानवर, जहर से भरा एक जहरीला सांप, एक मुजरिम। वो मुजरिम नहीं रहा पापा, बुराई छोड़ चुका है। उसने ये सब हमारे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए। हमने उसे नई जिंदगी दी है। गटर के गंदे पानी में अगर पूजा के फूल मिला दो तो वो गंगा जल नहीं बन जाता? गटर का गंदा पानी गंगा में मिलकर गंगा जल ही बन जाता है पापा। करण पश्चाताप की आग में जलकर कुंदन बन चुका है। दुनिया की जुल्म और नफरत ने उसे अंधेरों में गिरा दिया था, हमारी मोहब्बत वापस उसे रोशनी में ले आई है। नहीं, ये नामुमकिन है। जीते जी मैं तुम्हें उस आग में नहीं कूदने दूंगा। आज के बाद तुम उसे नहीं मिलोगी। बट आई लव हिम पापा, आई लव हिम। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ, हमें कैसे जीना है, किससे प्यार करना है, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। हम करण के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम मौत को गले लगाना चाहती हो? छोड़ दो उसे। हम सब कुछ छोड़ देंगे, ये घर, ये दुनिया, ये जिंदगी, लेकिन करण को नहीं।
तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं। जाओ। मैंने तुझे हर रिश्ते से आजाद किया। इस बदनसीब विदाई के बाद तुझे हर वो अधिकार दिया जो तेरे बाप के चेहरे पर काली पोतने वाले करण को खुश कर सके। हर वो अधिकार जिससे तू अपने गुरु अपने बाप